नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को। साथियों, आज एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2021 को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं साथियों, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनके दृष्टि से। तो साथियों, इनका PDF मैं टेलीग्राम चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती पर डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसका आंसर भी दिया हुआ है साथियों, जो आप प्रैक्टिस करके बना भी सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं पहले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है दुबई में, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जाता है किया गया? तो साथियों, ये मालाबार युद्धाभ्यास जो है, ये क्वाड के जो देश होते हैं, क्वाड के देश, इनके अंतर्गत जो 4 देश आते हैं उन्हीं के बीच किया जाता है। और ये मालाबार तट और ये अरब सागर में किया जाता है इसका नौसैनिक अभ्यास। तो ये क्वाड में आने वाले देश हैं साथियों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, यानी ये चारों देशों के बीच जो है, ये क्वाड देश हैं और इन्हीं चारों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास होता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्राय अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उनका संबंध किस देश से है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 ईस्वी मिला और उनका संबंध तंजानिया से है, ऑप्शन नंबर से। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की? साथियों, मिशन वात्सल्य की शुरुआत जो है किया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मिशन वात्सल्य। और ये कोरोना में जो है अपने पति को खो देने वाली महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उसके बाद साथियों, अगर वात्सल्य योजना रहेगा तो हो जाएगा उत्तराखंड, वात्सल्य योजना उत्तराखंड। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेड़ा का संबंध किस खेल से है? साथियों, अवनी लखेड़ा टोक्यो पैरालंपिक खेल में जो है भारत को पहला स्वर्ण पदक जीत दिलाई थी और ये निशानेबाज हैं। और साथियों, ये 50-10 मीटर राइफल में शूटिंग करती है और ये 50 मीटर की राइफल में, तो 10 मीटर में स्वर्ण पदक और 50 मीटर में कांस्य पदक जीती थी, यानी कि 2 पदक अपने नाम की थी पैरालंपिक ओलंपिक 2021 में, जो कि टोक्यो जापान में हुआ था। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किसे आईसीआईसी बैंक के MD और CEO के रूप में चुन लिया गया? तो आईसीआईसी बैंक के MD एवं CEO के रूप में संदीप बख्शी को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये था 2021 के विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक विकास सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये किया गया था जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिक्स इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथन कौन सा कथन सही है? यानी इनमें से सही कथनों को चुनना है साथियों। यह है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, जो कि यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया। ये यूनिसेफ से बच्चों से संबंधित एक संस्थाएं हैं। तो साथियों, करा इसमें एक नंबर ऑप्शन में कि सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य रहा था, ये बात सत्य है। उसके बाद करा है सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, यह भी बात सही है। उसके बाद करा है भारत को इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि 26 रैंक प्राप्त हुआ, तो ये भी बात सही है। यानी भारत को चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में 26वां रैंक प्राप्त हुआ, यानी कि
सही कथन बोले तो ये मेरा डी हो जाएगा, सब के सब सही हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में करा है सुमिरित करें, यानी कि सुमिरित करना है, और कौन सा कथन गलत है, गलत सुमिरित है उनको सुनना है। साथियों ये कल्याण सिंह की मृत्यु हुई और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये बात सत्य है। वासुदेव परांजपे जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये भी बात साथियों सही है। उसके बाद ओ चंद्रशेखरन ये भारत के हॉकी खिलाड़ी थे, ये साथियों गलत होगा क्योंकि ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी थे, फुटबॉल यानी ओ चंद्रशेखरन होगा फुटबॉल के खिलाड़ी, और ओ एम नाम्बियार ये भारतीय एथलीट कोच हैं, ये साथियों सही है। यानी गलत मेरा कथन कौन सा था, ये सी नंबर था जो कि आंसर होगा ओ चंद्रशेखरन फुटबॉल से। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यह है समृद्ध कार्यक्रम जो 25 अगस्त 2021 को चालू की गई। तो साथियों इनमें था चालू करने वाले मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को का समर्थन करने करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई। साथियों नॉलेज इकोनॉमी की बात करें तो यह होगा केरल, क्योंकि सबसे शिक्षित राज्यों की बात करें तो ये केरल ही भारत के राज्य हैं जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। हाल ही में डेहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये डेहिंग पटकाई है और ये बोल रहा है किस राज्य का है जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और साथियों ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है और ये सेवंथ क्रम के हैं। कुल मिलाकर असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है और 6ठे थे रायमोना। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई, यह है आहार क्रांति मिशन और यह पोषण सुरक्षा के उद्देश्य चालू किया गया था। साथियों ऐसा करने वाले मंत्री जो थे वो थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया, यानी ये क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किसके साथ जो है समझौता किया। साथियों ऐसा किया था क्लीन मैक्स ने फेसबुक के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट, भारत का पहला है वर्टिकल टावर फॉरेस्ट जिनका नाम है माना फॉरेस्ट, करा ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये माना फॉरेस्ट बंगलुरु में बनाया जा रहा है जो कर्नाटका के शहर हैं। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख मिशन की शुरुआत की, यानी पंख अभियान की शुरुआत की। साथियों ये मध्य प्रदेश के भोपाल से किया गया था पंख मिशन की शुरुआत। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या था, आपको पता है साथियों 22 मार्च को विश्व भर में जल दिवस मनाया जाता है, और इसका बोल रहा है थीम क्या था यह 2021 का, तो इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर, यानी वाटर की वैल्यू देना ही इसका थीम था। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है, नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक साथियों ये हैं R.S.N. सिंह, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला एस्की पार्क जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया, तो साथियों ये पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था, और एस्की पार्क जो हिमाचल प्रदेश में
बनाया गया, स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र पर समझौता किया, यानी जल संसाधन के क्षेत्र पर समझौता किया ये 2021 में भारत ने जापान के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को साथियों देखते हैं। करा है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ये है बैटल ऑफ ऑनर। और आपको पता है साथियों पुदुचेरी को, चेरी के जो है पूर्व राज्यपाल रह चुकी किरण बेदी को जो है बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई, यह है ओशनोग्राफी द्वारा किया गया था जीनोम मैपिंग परियोजना, यह साथियों हिंद महासागर में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों की बात करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, यानी खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए इन्हीं की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, मेरा राशन, मेरा राशन ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला, यानी कि ये दूसरे क्रम का था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार के लिए इंडेक्स जारी किया गया था, तो इनमें कर्नाटका राज्य जो है पहले स्थान पर रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कथा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया। और साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है मुख्यालय भारत के हरियाणा में है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में चर्चा में रहे भावना बेल पटेल का संबंध किस खेल से है, ये भावना बेन पटेल जो है साथियों ये किस खेल से है, तो ये पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि पैरालंपिक टोक्यो में बेहतर प्रदर्शन किया था, अपने नाम पदक भी किया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क प्लांट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जाएगा, तो यह भारत का बड़ा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ये साथियों तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई, यानी कि किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से शुरू गई योजना है किसान कल्याण योजना, और ये है साथियों उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों की बात करें। परशुराम मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये परशुराम कुंड मेला का आयोजन साथियों अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों। हाल ही में किस राज्य में जो है फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा, ये फ्रूट केक आंदोलन कर रहा है किस राज्य में चर्चा में रहा, तो ये साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में जो है चर्चा में रहा। अगले प्रश्नों की बात करें। किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की, देखिए साथियों भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाले साथियों ये भारत का पहला राज्य बन गया, वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों की बात करें। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा, यानी न्यूट्रिनो की खोज करेगा, आपको पता है साथियों न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था, तो ये कह रहा है पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने वाले देश, तो साथियों आपको पता है कि ऐसा करने वाला देश रशिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों। 30 मार्च 2021 को किस देश ने नवा हार्ट ऑफ एशिया, ये 9th क्रम का है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया,
जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। तो साथियों, हार्ट नमे क्रम के हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था ताजिकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया, यानी ये भारत जो है ओरल वैक्सीन का निर्माण जो है किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया? तो ऐसा किया साथियों अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों की बात करें तो पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था साथियों आपको पता है बोस आयंस कंडेंसेट है, और इसकी खोज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में की गई। अगले प्रश्न देखें साथियों, SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों द्वारा पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास ये पाकिस्तान में किया गया, नाम भी देखिए पॉबी लिखा हुआ है। साथियों अगले प्रश्नों की बात करें, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, यानी 3000 रन पार करने वाले? तो ये बन गए साथियों विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। अगले प्रश्नों की बात करें, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया? तो ये साथियों सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया शरण कुमार लेम्बाले को। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, हाल ही में सऊदी अरब को पीछा छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, यानी सबसे इनसे पहले जो है भारत को तेल आपूर्ति करने वाले देश में सऊदी अरब थे, और हाल ही में सऊदी अरब को पीछा छोड़ते हुए अमेरिका भारत को तेल आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? साथियों ये देशभक्ति बजट 2021 में पेश किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साथियों दादा साहब फिल्म फेस्टिवल के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों की देखें साथियों, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बोटा सिंह का निधन हो गया, तो कहता है बोटा सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? बोटा सिंह लोकसभा के 8 बार सांसद बन चुके हैं, ये बात साथियों सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं साथियों, ये भी बात सत्य है, यानी कि उपरोक्त सभी बात सही है, ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें साथियों, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे चुन लिया गया? साथियों एशियाई खेल परिषद के अध्यक्ष रूप में अमित शाह के बेटे जय शाह को चुन लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से साथियों 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अगर पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण तो साथियों ये था 10 व्यक्तियों को, और साथियों पद्म श्री की बात करें, पद्म श्री तो ये था कुल 102 व्यक्तियों को दिया गया, पद्मश्री 102, पद्म भूषण 110 व्यक्तियों को, पद्मश्री 102, पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को, और पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया। कुल मिला के पद्म पुरस्कारों की संख्या 2021 में 119 थी। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो साथियों इसरो ने नासा के सहयोग से, नासा जो कि
अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी है। इन्हीं के सहयोग से जो है पृथ्वी प्रणाली वैधशाला विकसित करने का निर्णय लिया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की, यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की? तो ऐसा किया गया था कनाडा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्नों की बात करें। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? यह साथियों आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया और यह करने वाले राज्य जो हैं वो हैं कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए जो है श्वास और एरोग ऋण योजना शुरू की, यानी श्वास और एरोग ऋण योजना की शुरुआत की थी? शिडबी, जिनकी स्थापना 1990 में हुआ और मुख्यालय लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार जो है आर्थिक संरक्षण 2020-21 में लगाया गया, यानी 2020-21 में जो भारत की अर्थव्यवस्था का आर्थिक संरक्षण किया गया साथियों, तो ये किस आकार की थी, ऐसा किस आकार के अनुमान लगाया गया? तो ये था भी आकार के, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, आज के आखिरी प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है? तो ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध जो है साथियों ये रविन्द्रनाथ टैगोर से है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो साथियों आज जो है इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट 2 ख़त्म किया गया। साथियों अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथियों इनका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और वहां से आप डाउनलोड करके उसे बना भी सकते हैं, इसमें आंसर की भी दिया गया है।